बागेश्वर जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 2 हो गई है। बीती देर रात महाराष्ट्र से वापस आए प्रवासी की मौत का मामला सामने आया है। प्रशासन ने कोरोना संदिग्ध मानते हुए उसकी कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंत्येष्टि की है। वहीं अब महाविद्यालय की परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। परीक्षाओं के दौरान भी एक छात्र पॉजिटिव पाया गया है। आपको बता दें, इससे पहले कांड क्षेत्र में महाराष्ट्र से वापस लौटे एक प्रवासी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सीएमओ बीडी जोशी ने बताया कि मृतक के द्वारा बागेश्वर वापस आने के बाद जांच के दौरान बताया गया था कि वो हापुड़ से आया है। उन्होंने बताया कि बीती रात को क्षेत्र की जनता से मालूम हुआ कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है और वो महाराष्ट्र से वापस लौटा था। उन्होंने ये भी बताया कि उसे कोरोना संदिग्ध मानते हुए कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसकी अंत्येष्टि की गई। कि 7 जो पॉजिटिव आए हैं वो कल रात में आए थे, आरटीपीसीआर से पॉजिटिव आए थे। और जो स्टूडेंट एक आज मॉर्निंग में एक वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई थी, कुछ बच्चों के टेम्परेचर ज़्यादा है थर्मल स्क्रीनिंग में, तो उसके लिए हमने टीम भेजी थी, एंटीजन टेस्ट करवाई, तो उसमें से एक बच्चा पॉजिटिव आया है। और बाकी जो कांडा के एक गांव में जो है एक व्यक्ति की डेथ हुई है, जो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से उस व्यक्ति ने यहाँ पे अपना हापुड़ से आना बताया है, और उनके पर्चे में एक ट्रूनेट टेस्ट एडवाइस किया गया है जो शायद उनके द्वारा नहीं किया गया होगा। उसके बाद वहाँ लोकल में पता चल रहा है कि वो व्यक्ति मुंबई से आया है और उसने कहीं और जगह जांच कराई थी। अभी तक कोई स्टेटस या कोई ऐसी रिपोर्ट उसके बारे में पता नहीं है। बाकी उसको सस्पेक्ट मानते हुए उसका जो अंतिम संस्कार है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से किया जा रहा है। वहीं महाविद्यालय की परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। पहले दिन एक छात्र कोरोना पॉजिटिव निकला तो कॉलेज में हड़कंप मच गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए छात्र छात्राओं की पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और फिर सैनिटाइजेशन के बाद उन्हें परीक्षा देने दिया जा रहा है। इस दौरान करीब 24 बच्चों का तापमान अधिक पाया गया। सीएमओ बीडी जोशी ने बताया कि कॉलेज प्रशासन से मिली सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए महाविद्यालय गई। इसी दौरान टीम ने सैंपल भी लिए, जिसमें जांच के दौरान एक छात्र पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की कोरोना ड्यूटी में तैनात एक एम्बुलेंस के ड्राइवर की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। संवाद 365 के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।